Back to the blog. This is Pranav Kumar and this is Gumakka. If you are new in the channel, you can subscribe my channels. Keep watching. तो आज मैं अपने ब्लॉग में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं अपने आईफोन का एसेसरीज कुछ लेने जा रहा हूँ. कुछ प्रॉब्लम आ गया है और मैं जो ब्लॉग जो शूट करता हूँ, चाहे वो मोबाइल ब्लॉग हो, लाइफ स्टाइल हो या ट्रैवल ब्लॉग हो, ये मैं आईफोन से ही शूट करता हूँ. ये इसलिए करता हूँ कि इसमें कोई जर्क नहीं आता है. एक्चुअली अगर आप बाइक चला रहे हैं और आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर वीडियो में जर्क आता है. ठीक है, ये आईफोन का एक क्वालिटी है कि ये जर्क नहीं आने देता है. जब हम 4K 60 FPS फ्रेम पर इसको क्या करते हैं, शूट करते हैं, तो इसी के लिए मेरा वीडियो जो होता है, बाइक पर भी चलते हैं तो बड़ा स्मूथ आता है, जैसा कि आप वीडियो में देखते ही होंगे. तो अभी मैं जा रहा हूँ पटना का हरि निवास, एक जगह है, एक्चुअली डक बंगला चौराहा के बगल में ही है हरि निवास. वहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड जितना भी एसेसरीज है सब मिलता है. तो मैं अपने आईफोन का एसेसरीज, जैसे कि इसका स्क्रीन गार्ड बहुत ख़राब हो गया है, इसको लगवाना है. मेरे पास ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो पेन टैबलेट है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, उसको लैमिनेट करवाना है. तो कुछ काम है तो करते हैं और करवाते हैं उसको और चलते हैं. ठीक है, पोस्टल पार्क के एरिया में हूँ और यहाँ से हम स्टेशन होते हुए डकबंगला चौराहा जाएंगे और डकबंगला चौराहा से हरि निवास की ओर जाएंगे. अगर आपको इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, मोबाइल से रिलेटेड, अगर आपको वहाँ पर कोई भी एसेसरी चाहिए, मोबाइल चाहिए, द बेस्ट प्लेस है ये. अगर आपको, जो यहाँ पटना के रहने वाले हैं, जो रहते हैं, उनको तो पता ही कि हरि निवास क्या है. जो मेरे वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ कि अगर पटना में आपको मोबाइल एसेसरी से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड, कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको खरीदना है विद बेस्ट प्राइस, तो यू कैन विजिट हरि निवास. डकबंगला चौराहा से आप डकबंगला चौराहा भी अगर आप पहुंच जाइएगा तो आप पूछिएगा कि हरि निवास कहाँ है, तो आपको लोग बता देंगे. वैसे आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि डकबंगला से किधर जाने पर आपको हरि निवास मिलेगा. मेरे वीडियो को इसी तरह फॉलो करें जिससे आपको नया नया प्लेस, नया लोकेशन मिलता रहेगा. और मैं अभी जा रहा हूँ आईफोन का काम करवा देते हैं. ये देखिए आगे बाइक, भाई साहब ने अच्छा लिया ना. ये जो ब्रिज है ये हमें ले चलेगा डायरेक्ट एग्जीबिशन रूम. अभी हम जाएंगे एग्जीबिशन रूम. ये लोकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो लोकेशन है हमारा पोस्टल पार्क. आप कहीं से भी अगर आ रहे हैं, आप स्टेशन से आ रहे हैं, गांधी मैदान से आ रहे हैं, पाटलिपुत्रा से आ रहे हैं, तो आप लोग के लिए सेंटर पॉइंट होगा डकबंगला चौराहा. ये पूरे मतलब पटना का सेंटर पॉइंट है डकबंगला चौराहा. अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर हरि निवास में जाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम सरकारी बस थे. तो अभी हम लोग एग्जीबिशन रोड आ गए. अब देखिए मैं यहाँ से जो टर्न ले रहा हूँ वो लेफ्ट लूंगा. यही रोड जो सीधे है वो गांधी मैदान चला जाएगा, पटना गांधी मैदान. ये जो रोड है आपका सीधा, तो सीधा जो बस जा रही है ना, सीधा वो गांधी मैदान. और यहाँ से जो हम टर्न करेंगे इधर, ये हमारा होगा
यहाँ जो हम लोग टर्न करेंगे, ये रोड आपका एग्जीबिशन रोड से कट कर निकल गया, जो ये है एस टी वर्मा रोड है। एस टी वर्मा रोड कंप्यूटर के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, पीसी से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो आप एस टी वर्मा रोड आकर ले सकते हैं। एस टी का सर्विस सेंटर भी यहाँ पर है, आपको एस टी वर्मा रोड में मिल जाएगा। या कोई भी कंप्यूटर को आपको बनवाना है, पीसी बनवाना है, लैपटॉप बनवाना है, इनबिल्ट करवाना है, वैसे तो मैं भी करता हूँ, मेरा दोस्त भी करता है, लेकिन अगर आपको कोई दुकान से करवाना है तो पटना का सबसे बेस्ट एस टी वर्मा रोड। मैं आपको दिखाऊंगा अपने कैमरा के माध्यम से, जो ये रोड है ना, ये रोड जो उधर जा रहा है, राइट ये जो रोड गया एस टी वर्मा रोड, ये एस टी वर्मा रोड है। लेकिन मैं अभी सीधा जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है डकबंगला चौराहा, मुझे जाना है हरि विहार। जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में कहा, इलेक्ट्रॉनिक हरि निवास, कंप्यूटर रिलेटेड एस पी वर्मा रोड, ये ध्यान रखिएगा। चलिए डाकबंगला चौराहा पर आके हैं, बहुत ज़्यादा रश है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, आप देख रहे हैं बारिश का मौसम, और यहाँ पर ट्रैफिक है, ट्रैफिक का नियम पालन करते हुए आराम से यहाँ पर लगा दो गाड़ी। लाइट भी नहीं जल रही है। तो ये डकबंगला चौराहा है जिस पर हम लोग रुके गए थे, और आप डकबंगला चौराहा से जिस तरफ से एग्जीबिशन रोड से जो सीधा रोड आया ना, उस रोड को एकदम सीधा फॉलो करिएगा। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वन प्लस मॉल है, पटना वन 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 प्लस नहीं सॉरी ये पटना वन मॉल आप देख लीजिए, पटना वन मॉल के जस्ट बगल में आपको ये जो है श्रीनिवास देखो भाई होंगे। ये देखिए हरि निवास में हमारा गाड़ी इंटर कर गया है, पार्किंग लॉट है, यहाँ पर गाड़ी लगा दीजिए। और आप देख सकते हैं, आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से जितना भी देखिए, हर एक तेरा का सैमसंग, वीवो, ओप्पो, आसूस, डेल, सब तरह का है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हरि निवास का गेट बंद है, क्लोज है आज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो कोविड गाइडलाइन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का जो किया गया है वो है MWF, मंडे वेनेसडे और फ्राइडे। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अभी कोविड गाइडलाइन के तहत कुछ दुकानों का जो है वो है शेड्यूल किया गया है, ये MWF है, TTS है, ये सारा चीज़ देख कर किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक में हरि निवास में आज बंद है मेन गेट, लेकिन कुछ दुकानें खुली हुई थी, तो मेरा काम आज हो गया, मैंने काम करवा लिया, क्योंकि कुछ दुकानें थी एक छोटा मोटा खुला हुआ जिसमें मुझे जो एसेसरीज खरीदना था, करवाना था, वो हो गया। ऐसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ज्वेलरी शॉप खुला हुआ है, कुछ होगा टाइमिंग, मुझे उतना पता नहीं था। मैं आ गया तो मैंने देखा कि हरि निवास बंद है, तो मैंने पूछा गार्ड साहब से, तो उन्होंने कहा कि हाँ आज बंद रहता है क्योंकि आज सैटरडे है, MWF ही खुला रहता है। फिर भी एक दो दुकान खुला हुआ था तो एक दो काम हो गया मेरा, तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, अब घर हो गया है मेरा काम। पास के जस्ट अपोजिट पटना वन मॉल है, यहाँ पर भी आकर आप खरीदारी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मॉल है, और इसी के जस्ट अपोजिट आपका ये हरि निवास। अब देख सकते हैं सारा, मतलब जितना वीवो, कैनन, रियलमी, सैमसंग, ओप्पो, HP, डेल, सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। चलिए चलते हैं, मेरा बाइक किधर है भाई? हाँ यहाँ है, तो चलते हैं अब। श्री कमी लोगे जब एसेसरी का जरूरत पड़ेगा तब। तो ये दिखा दीजिए फोन, ये आपका हो गया मौर्या लॉ। बना है बंजारा उजारा बना है या लड़की
बच्चे लोग को मेहंदी उन्दी लगवाना है तो मौर्य लोग मंगाते हैं। चांदनी चौक चलना है ना आपको? चांदनी चौक जा रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाई जी है, उनको फैन लेना है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तो मेन है कि आज बंद ही रहता है, हम डब्ल्यूएफ के भी टीम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रखता है। मेरा तो काम यहाँ हो गया, एक दो दुकान खुला हुआ है, अब देखते हैं कि इनका काम होता है कि नहीं होता, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का दिन नहीं है। चांदनी चौक बिहार बोर्ड, ये देखिए बिहार काउंसिल, बिहार परीक्षा समिति, जो यहाँ पर ट्वेल्थ का जितना भी रिजल्ट प्रकाशन होता है और ट्वेल्थ का जो रिजल्ट बनता है यह बिहार परीक्षा समिति है। और इसी के बगल में एनसीईआरटी बुक जो छपता है उसका ये जगह है। ये जो रास्ता है ना, ये है बुद्ध भाग, बुद्ध भाग बोलते हैं, यही रास्ता आपको स्टेशन टच करवाएगा, पटना जंक्शन वाला, करवी गैया नहीं, करवी गैया भी आप जा सकते हैं, सामने पुल है, मैं दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पर आप जब नवंबर का टाइम आएगा ना ठंडा का, तो ये गेट देख लीजिए, आशा मार्केट लगता है, आशा मार्केट के नाम से फेमस है सुपर मार्केट, जहाँ पर मतलब बाहर से लोग आते हैं विंटर क्लोथ यहाँ पर बेचते हैं। पटना जंक्शन चांदनी चौक जाना है, इसी के लिए पटना जंक्शन चांदनी चौक जाना है, इसी के लिए मैं नीचे से ठीक है, ये नीचे से जाएंगे तो पटना जंक्शन मिलेगा, यही पुल देखिए, ये पुल जो है, ये पुल से अगर आप जाइएगा तो ये चला जाएगा कर दी गैया प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो हमको जाना है पटना जंक्शन की तरफ, तो मैं नीचे नीचे निकल रहा हूँ। आज आपको जीपीओ गोलंबर भी दिखाते हैं, ये जो अभी नीचे से जाएगा तो जीपीओ गोलंबर आएगा, जीपीओ गोलंबर, क्योंकि जीपीओ ऑफिस है यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस सबसे बड़ा। देखिए पहले तो याद है, देखिए मीडिया केंद्र है और दूरसंचार ब्रॉडकास्टिंग, राइट टर्न ले रहे हैं, देखिए ये पटना जीपीओ है, जितना भी बिहार का जो चिट्ठी आता है, डाक आता है, यहाँ से आता है, या बहुत सारे स्टूडेंट जिनका अभी भी मतलब ज्वाइनिंग होता है तो चिट्ठी आता थी। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि ये पूरा प्रीमाइसिस दिखा दे। जंक्शन की तरफ जाना है तो हनुमान मंदिर, पटना के सबसे फेमस हनुमान मंदिर, महावीर स्थान से ज्यादा चर्चित है। ये सामने आपको भगवान मिल जाएगा, जस्ट बगल में महावीर जी,
ये सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है आपको ये पहचानने के लिए कि आप अपना जॉन सर महावीर मंदिर को दिखा दिया जाए आपके एक दिन आप इस पर ब्लॉग बनाएंगे महावीर मंदिर पर स्पेशल इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बस इसके जो लेफ्ट है आप स्टेशन रोड से जैसे इधर आइएगा एंगल पुल की तरफ ये आपके लेफ्ट लेफ्ट चांदनी चलिए हमारे भैया जी का भी फैन लगता है खड़का जाएगा आज का डिसीजन यहाँ पर फैन लेने का डिसीजन खत्म हो गया क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे सामने बादल बहुत तेज से आ रहा है तूफान बहुत तेज से आने वाला है बारिश बहुत तेज से होगा इसके लिए अब हम लोग निकलते हैं नहीं तो बारिश में फंस जाएंगे। देखिए हम हैं अभी जस्ट एंगल पुल पर और मौसम तुरंत ने अपना रुख बदला बहुत तेज बारिश आने का संभावना है हम लोग सोच रहे हैं कि बाद में पंखा वंखा लेंगे हड़बड़ी हो जाएगा अभी घर पहुंचते हैं जल्दी से क्योंकि मेरे पास जो बैग है उसमें एसेसरीज पड़ा हुआ है वो बारिश में अगर भींग गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा और आईफोन से कर रहे हैं तो वाटर रेजिस्टेंट है तो ये तो बर्दाश्त कर लेगा कुछ। अरे यार जल्दी करो मौसम मौसम जानने के लिए देखिए कि क्या मैं सही सलामत घर पहुंच पाता हूं या मैं रास्ते में ही भूल जाता हूं जानने के लिए देखिए घुमक्कड़ का ये लाइव एपिसोड। चलिए लगता है कि पहुंच ही जाएंगे इतना तेज से बादल आया ना अरे यार पीछे से बारिश तेज हो रहा है इतना जल्दी मौसम बदला ना कि पता ही नहीं चला आराम से निकले थे क्लाउडी वेदर था तो लगा कि चलो काम हो जाएगा लेकिन जितना तेज से मौसम बदला देखिए बारिश तो बड़ा भयानक होगा क्योंकि बादल चारों तरफ से घेर लिया है हर एक जगह पर हो गया पटना बहने वाला है देखो। चलिए मैं बारिश का ही ब्लॉग बना दूंगा क्योंकि अभी तो मैं घर जा रहा हूँ तो बारिश का एक अलग ब्लॉग आपके लिए बनाऊंगा जरूर उसके बाद ऐड करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई सब्सक्राइब तो कर दो बॉस। तो चलिए मेरे दोस्तों यहीं पर ब्लॉग को करते हैं समाप्त मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और इसमें बारिश का सीन के साथ अब देखते हैं ये बारिश क्या कोहराम मचाता है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।